पिरामिड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपके माइंड में कभी यह थॉट आई है, कभी यह सोचा है आपने कि हजारों साल पहले इतनी बारीकी से इन पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा? क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। दोस्तों बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम आपको पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक और हैरान करने वाले फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी एक बार के लिए ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। मिस्र अपनी सबसे प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। वैसे तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था, साथ ही खाने पीने की चीजें, बर्तन, कपड़े आदि भी साथ में दफन कर दिए जाते थे। मिस्र के लोगों की मान्यता है कि यह सब करने से मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहां उसके साथ दफनाई गई चीजें उसके काम आती है। मिस्र आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिमी कोने में फैला हुआ है। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस्लामी देशों में से एक आता है। इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में रहता है, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते हैं। इसका समुद्र तल सपाट है। अरब की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से पर्वत श्री है। मिस्र में नदी के पश्चिमी और काहिरा के उत्तर में करीब 50 मील दूर फायूम के क्षेत्र में ही सिर्फ कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। मिस्र का अधिकांश भाग जल विहीन है। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को राजा महाराजाओं के सब को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मम्मी बनाकर रखने के लिए, लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिडों के नीचे बहुत से ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिडों को बनाया गया था, तो कहीं न कहीं वो सभी मम्मी अभी भी सुरक्षित होगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ मम्मी लग जाए तो वो मम्मी सुरक्षित कैसा। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया और इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को 25 लाख चुना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था, और इस भव्य पिरामिड को बनाने में तकरीबन 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन बात फिर से घूम फिर के यहीं पे आके रुक जाती है कि आखिर उस समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के जमाने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड का निर्माण करना लगभग नामुमकिन है। पिरामिड्स का रहस्य तो और भी अधिक बढ़ने लगा जब यह सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाने लगा। गीजा से कई छोटे पिरामिड्स सूडान में मिले, जिनकी संख्या 255, और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली और इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ना ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुंचाने के लिए भी बहुत ही दिक्कत आती होगी। तो फिर कैसे बिना किसी संचार माध्यम के, बिना कुछ देखे, एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स को बनाए गए, सच में सोचने वाली बात है। द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों का प्रयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मिस्र वासियों ने इस पिरामिड को इतने बारीकी से बनाया है कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी घुसाई नहीं जा सकती। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से यह सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि मिस्र वासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान की जानकारी रही होगी, क्योंकि पिरामिड्स इस तरह बनाया गया है कि 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है, और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है।
वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती है। तो ये थी पिरामिड्स के बारे में कुछ हैरान और चौंकाने वाले तथ्य। वैसे आप क्या सोचते हैं इन पिरामिड्स और इससे जुड़े तथ्य के बारे में, आप अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।